हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवीश और आज हम आपको एमएस धोनी के बारे में तीन तीन बड़ी खबर देने वाले हैं। पहली खबर होगी उनके लगेज से जुड़ी हुई, दूसरी खबर होगी कोच रवि शास्त्री जो कि हेड कोच है, उन्होंने क्या बयान दिया है लेटेस्ट जो कि क्लियर करता है बहुत कुछ पिक्चर महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, और थर्ड हम आपको बताएंगे कि धोनी जो है एक टीवी सीरीज भी लेकर आएंगे और जिसमें वीरता की कहानियां सुनाई जाएंगी। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि धोनी के लगेज के साथ क्या हुआ। कोलकाता एयरपोर्ट पर धोनी का जो लगेज था वो मिस हो गया, उनका जो लगेज था वो कोई पैसेंजर था वो उनका लगेज लेके चला गया और धोनी जो थे वो उस पैसेंजर का लगेज लेके चले गए। ये कोलकाता एयरपोर्ट की घटना है और इसके बाद काफ़ी अफरा तफरी मच गई थी। बाद में रियलाइज़ हुआ कि धोनी जो लगेज लेके आए हैं वो उनका लगेज नहीं है और कोई और उनसे पहले ही उनका लगेज लेके चला गया था, तो दोनों ने बाद में अपने लगेज को एक्सचेंज किया और ये जो सारा मामला था ये सुलझ गया। चलिए अब बड़ी खबर की बात करते हैं कि रवि शास्त्री ने क्या कहा है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। सबसे पहले तो मैं उनका स्टेटमेंट आपको बताता हूँ कि क्या बोले रवि शास्त्री ने। कहा है, दैट गाय इज अ लेजेंड, द लास्ट थिंग ही विल बी वांट इज टू इम्पोज हिमसेल्फ ऑन एन इंडियन टीम हैविंग नोन हिम। ही इज वांटिंग टू टेक अ ब्रेक बट ही इज गोइंग टू प्ले द आईपीएल, द अमाउंट ऑफ द स्पोर्ट्स ही हैज प्लेड, इफ ही पुट्स हिमसेल्फ इन कंटेंशन, इफ ही फील्स आफ्टर द आईपीएल दैट आई एम गुड इनफ टू प्ले फॉर इंडिया, डोंट मेस अराउंड विद दैट। कहने का मतलब ये है कि रवि शास्त्री ये कह रहे हैं कि अभी महेंद्र सिंह धोनी शायद टीम इंडिया के सिनेरियो में नहीं है, उन्होंने टीम इंडिया के सिनेरियो से खुद को अलग कर लिया है। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने ये तो क्लियर किया है कि वो आईपीएल खेलेंगे और आईपीएल खेलने के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि महेंद्र सिंह धोनी अपने करियर के बारे में क्या फैसला लेते हैं। यानी कि रवि शास्त्री ये साफ कर रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल इंडिया के लिए क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि वो इंडियन क्रिकेट टीम पे खुद को थोपना नहीं चाहेंगे, इम्पोज नहीं करना चाहेंगे। बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है रवि शास्त्री ने। यानी कि अगर महेंद्र सिंह धोनी को लग रहा होगा कि टीम में सब कुछ सही है, यंगस्टर्स ने जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभा लिया है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो भारतीय क्रिकेट में वापस नहीं आएंगे, क्योंकि रवि शास्त्री कह रहे हैं कि वो उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और महेंद्र सिंह धोनी जैसा खिलाड़ी कभी भी टीम पर बोझ नहीं बनना चाहेगा, कभी भी खुद को इम्पोज नहीं करना चाहेगा, थोपना नहीं चाहेगा। आईपीएल वो ज़रूर खेल रहे हैं और उसके बाद ही शायद वो फैसला लेंगे कि उनको भारतीय टीम के साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, लेकिन हाल फिलहाल में वो भारतीय क्रिकेट से जुड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। धोनी ने वैसे खुद कहा था कि जनवरी के बाद वो फैसला लेंगे, लेकिन अगर मैं रवि शास्त्री की बात को मानूं और जिस तरीके से टीम चल रही है तो जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि अप्रैल में आईपीएल होता है और मई तक जाता है, तो यानी कि क्या 3 महीने तक महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट नहीं खेलने वाले, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा जो पहलू जो कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट पहलू इस बात का बता रहा हूँ वो यही है कि महेंद्र सिंह धोनी जो हैं, जैसा कि रवि शास्त्री ने कहा कि खुद को थोपना नहीं चाहेंगे टीम पे, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी शायद डिसाइड कर चुके हैं अपने फ्यूचर के बारे में और लगता नहीं है कि वो जो है भारतीय क्रिकेट के साथ जुड़ने वाले। चलिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि महेंद्र सिंह धोनी को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यही है कि महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो एक सीरीज लेकर आएंगे और इसमें, क्योंकि आपको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी आर्मी में ऑनरी लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक भी उनको मिला हुआ है और वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद उन्होंने 14 डेज की ट्रेनिंग भी की थी आर्मी के साथ, तो आर्मी में जो वीरता की कहानियां हैं वो महेंद्र सिंह धोनी अब सुनाएंगे, जो कि बहुत सारे हमारे जो सैनिक हैं, बहुत सारे हमारे जो अफसर हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की, देश के लिए वीरता दिखाई, उनकी कहानियां जो हैं महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो अब लेकर आने वाले हैं और इसके लिए भी सारे के सारे जो लोग हैं वो एक्साइटेड हैं। तो ये धोनी की मैंने आपको तीन बड़ी बड़ी खबर बताई है कि किस तरीके से एक उनका लगेज जो था वो मिस हो गया था, दूसरा रवि शास्त्री का एक बड़ा स्टेटमेंट आया और तीसरा ये आया है कि एक सीरीज लेके आने वाले हैं वो टीवी पर जिसमें कि वो वीरता की कहानी बताएंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। न्यूज़ स्टेट के नाम से हमारा फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम का पेज है, उसको लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट भी कर सकते हैं।